सब उम्मीद है कि हम ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आज है जी बुध और बेटी सैलून फटाफट बहुत जल्दी में गई और बहुत जल्दी में आ गई क्योंकि अर्जेंट मेहंदी लगानी थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि कस्टमर आपको पता है वेट नहीं करता। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो अभी भी घर आई हूँ, सांस ली है, मुँह हाथ धोया है और बस अभी भी नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि अभी 10:30 का टाइम हो गया। और जैसे ही मैं आई हूँ तो इन्होंने ये देखें, पता नहीं इनको किसने दिया है ये बलून, ना एक ये और एक वो है, ये बाहर से अब वो कह रहे थे नीचे खेल रहे थे तो उन्होंने इनको बैलून दिए हैं। अब ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा इनको अभी मैं यहाँ लगा देती हूँ, अच्छे लगेंगे। और क्यों किसने दिए थे आपको है हाँ? तो फिर वापसी पे मैं पैदल ही आई थी, अब वो छोड़ के आए थे तो फिर मैं आ गई क्योंकि एक लड़की और भी थी, उसको वहीं से बैठना था चिंची से करीब में ही, तो मैंने कहा चलो आप यूँ चली जाना और मैं यूँ चली जाऊँगी। तो बस इस तरह से जल्द दिनों बाद बहुत स्लो लगाई है, कसम से बहुत ज़्यादा स्लो लगाई है क्योंकि गैप आ जाता है फिर हाथ बहुत स्लो चलता है, अगर लगाते रहो तो फिर पता है आपको स्पीड ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने पैरों पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाई, कैंसिल करवा दी। उन्होंने कहा अभी लेट हो गया, आपके भी बच्चे रो रहे हैं और कॉल आ रही है, मैं अभी घर जाती हूँ, मेरे भी बच्चे रो रहे होंगे तो इसलिए। तो बस अभी फिर हम आ गए, अभी नमाज़ पढ़ते हैं फिर खाना खाएँगे, फिर कल भी रहेंगे आप लोगों से। हो गया नेक्स्ट डे जुमेरात की शाम, यहाँ पे मगरिब का टाइम हो रहा था और अभी हमें जाना है मिलाद पे और मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस अभी फटाफट चलते हैं। अम्मी आ गई थी पढ़ के और अभी फिर मैं जा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर बच्चों को पकड़ेंगी जब तक अब्बू नहीं आते। तो ये देखें कल रात को ही आते ही मैंने फ़ौरन फिर मेहंदी लगाई थी एक हाथ पे और बहुत प्यारी लग रही थी, इस बार मुझे भी अपने हाथ को उनकी मेहंदी बहुत प्यारी लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, और आज है जी तीसरा दिन और कल भी मिलाद से जैसे ही आई थी कुछ नहीं शूट किया था, तो आज सब ईद मिलादुन्नबी का दिन और अभी बस दोपहर की नमाज़ भी पढ़ ली और आज जुम्मा भी है तो जुम्मा भी मुबारक। आज इतना प्यारा दिन है और बस अभी खीर पक रही है तो फिर इंशाल्लाह आगे आगे जो होगा फिर आप लोग साथ शेयर करते रहेंगे। आज जैसे बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके घर क्या क्या पक रहा है। हमारे घर तो फ़िलहाल खीर ही बन रही है जैसे हमेशा बनती आई है क्योंकि मीठा बनाना रबी यो महीने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मीठा बनाना ख़ास तौर। और बाकी सबके घर से भी आ रही है, कुछ बिरयानी बना रहे हैं, कुछ जर्दा बना रहे हैं, तो ऐसे से लेकिन आप लोग भी जो जो भी देख रहे हैं ज़रूर बताना कि कहाँ कहाँ से देख रहे हो और क्या क्या आपके घरों में पक रहा है। देखें जी देखचा तो नहीं बोलेंगे, पतीला बहुत बड़ा चढ़ गया चूल्हे पे और ये बस अभी रेडी हो जाएगी थोड़ी सी ही देर में और वहाँ बनाते चल रही हैं। और बस अभी मैं हादी को कुरान शरीफ लेके जाती हूँ और फिर उसके बाद जी हम लोग आके फिर खीर बांटेंगे क्योंकि अभी हादी को कुरान शरीफ मदरसे भी तो लेके जाने, आज छुट्टी नहीं है, स्कूलों की थी लेकिन मदरसे की नहीं थी, तो चलते हैं हादी को लेके क्योंकि 3 बज चुके हैं। सही है जी, अब्बू ने डन कर दिया है, केवड़ा डाला है एंड में। बस ये था हमारा 3 दिन का व्लॉग, उम्मीद है अब अच्छा लगेगा। अब ये सबके घरों में बांटेंगे, सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो।